हेलो। हाँ हाँ हेलो, मैं नमस्कार करती हूँ सर। मैं स्नेहदिल से नहीं बात करती हूँ। आज स्नेहदिल कंपनी ने जो सामान के लिए इतनी ऑनलाइन शॉपिंग किए थे सर, किसमें स्नेहदिल में। किसमें ऑनलाइन शॉपिंग किया? जी, ऑनलाइन सामान शॉपिंग किए थे 21 तारीख को, 10वां महीना को। जी जी सर, जब हमारे कंपनी ने सामान शॉपिंग की है उसी टाइम ने मेरे कंपनी ने 9 वर्ष मेरी कंपनी पूरी किया गया था। जितने भी हमारे कंपनी ने कस्टमर है सारे कस्टमर को नंबर से, नाम से, डीपी बेली के शुभ ऑप्शन ने सारे कस्टमर की कंप्यूटर के माध्यम से लकी ड्रॉ खिलाया गया है। उसी में आपने फर्स्ट प्राइज में फर्स्ट विनर है, टाटा की सफारी 4 व्हीलर गाड़ी लगी है। एक कंपनी आपकी दो ऑप्शन दे रखे हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी की बदली में जो मार्केटिंग रेट है, गाड़ी के अमाउंट कैश आप वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए डिसाइड कर रहे हैं सर कि आपको क्या लेना है, गाड़ी लेना है कि गाड़ी की रकम कैश लेना है। गाड़ी मिल जाएगा। ओके सर, गाड़ी लेने के लिए सर जी की अपना आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। उसी आधार से हमारी कंपनी भी गाड़ी का प्रूफ बनेंगे, डीलर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनर बुक। तो इसके लिए आप आधार कार्ड नंबर आपको देने से उसी आधार में, आधार से आपको पेपर बनेंगे सर। और अगर पैसा मिले तो? पैसा लेने के लिए सर कि आपको आपको बैंक का अकाउंट नंबर देने के देगा, जो बैंक ने आपने खाता खुला हुआ है वो बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा सर। जी तो इसमें बताइए कि आपको क्या लेना है। अकाउंट नंबर दे देंगे। अकाउंट देना किस बैंक का है सर? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके, आप नोट करवाइए सर। अभी करवाए? हाँ सर, एक तो दीपावली के ऑप्शन है सर, एक प्राइस के लिए आपने जो निकाला गया है। एक फिर आपको टीवी पे आज की डेट में प्रचार किया जाएगा, पेपर पर प्रचार किया जाएगा। हमारे स्टेट में माइक से आपकी अनाउंस किया जाएगा, गली गली आपको रोड रोड पर प्रचार किया जाएगा। अच्छा जी सर। मैम कौन सी कंपनी है आपकी? मैं स्नैपडील कंपनी से आपने शॉपिंग किए थे ना? स्नैपडील मैम किए थे। जी 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 ब्रदर, आपने 21 तारीख 10वां महीना किए थे ना? जी जी जी। तो अकाउंट नंबर व्हाट्सएप करूँ या मैसेज करूँ, कैसे करूँ? आप नोट करवाइए। एक मिनट मैम, लाइन पे ही हूँ, आपको बताते हैं। मैं लाइन पे हूँ। ओके हाँ सर बोलिए। हाँ जी, हम अकाउंट नंबर देने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? ये जो प्रोसेसिंग आपको है सर 12,60,000 रुपया सर। जी जो अकाउंट नंबर, एक ही अकाउंट नंबर आपको देने से आपको जो ऑफर दिया गया है तो फिर आपको अकाउंट पे पैसे आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपके मोबाइल में एक मैसेज जाएगा। मैसेज ठीक करने के बाद जस्ट सर अपना अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। और इसलिए जो हमारे कंपनी ने फिर आपको जो अपना स्टेट में भी प्रचार किया जाएगा, हर पेपर पर, हर नए आपको जो भी हर पेपर पैसा आएगा, इसलिए जो 12,60,000 है सर। 12,60,000 जी सर। मैम जो पैसा आएगा ये अकाउंट में आएगा, मैसेज आएगा हमारे पास मोबाइल पे? जी जी, मैं तुरंत आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे सर, आपके तुरंत आपको मैसेज आपको जाएंगे। ओटीपी वगैरह आपको देना पड़ेगा फिर? क्या कोई हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा फिर वो ओटीपी आपको देना पड़ेगा क्या? जी। सर आप अपने पास रखिए, ठीक है? 12 लाख में ओटी नंबर नहीं जाएगा सर, इसमें नंबर आपसे कोई ओटी नंबर नहीं, इसमें सिर्फ आपको मैसेज जाएगा। अच्छा जी। वो बैंक से आपको मैसेज, ओटीपी इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ओटीपी इसलिए कोई लेने की दरकार नहीं है, ना देने की दरकार है। मैम ऐसा है ना, कई सारी कंपनी ऐसी फ्रॉड कर ली जो मतलब ओटीपी मांगी, उसके बाद ओटीपी नहीं आपको, जो सिर्फ नहीं ओटीपी नहीं आपको देना है सिर्फ। अच्छा। आपको इसमें सर जो आपको मैसेज जाएगा ना, हाँ। वो अपना मैसेज देखिएगा आप पढ़ के ATM या पासबुक से, हाँ। आप वहाँ पे, हाँ। आप निकाल लीजिएगा पैसे, समझ रहे हैं ना?
इसमें ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अकाउंट नंबर ओटीपी इसमें कोई दिखा हो ओटीपी नहीं आपको देना पड़ेगा। ओके अकाउंट नंबर लिखिए आप। क्या सर? अकाउंट नंबर लिखिए आप। हाँ हाँ अकाउंट नंबर आप देखिए। अकाउंट से क्या होगा सर, आपकी जैसे कि आपकी मोबाइल आपको नंबर देंगे ना तो उसमें जो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो ट्रांसफर होने के बाद सर आपको मैसेज आएगा। मैसेज चेक करने के बाद अपना एटीएम पासबुक है ये तो आपकी सुविधा के उस माध्यम से पैसे आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें कोई जरूरत नहीं है ना आपके पैन कार्ड का, इसलिए ना आपको एटीएम की नंबर जरूरत है ना एटीएम नंबर जरूरत है, कोई जरूरत नहीं सर। ओके मैम, आप किस जगह से बात कर रही हैं मैम? मैं टाटा सेंटर जाम चेतपुर में झारखंड से मैं बात करती हूँ, आपकी कॉल सेंटर की बात करती हूँ। एक कंपनी की प्रचार है सर, एक दीपावली के शुभ ऑप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है मैम, अकाउंट नंबर लिखिए आप। बताइए सर नाम पहले बताइए। नाम है मैम जी। आप में आप लाइन पे दो मिनट बने रहे सर, दो मिनट लाइन पर रहे, मैं सब आपको हेल्प कर रहे हैं। आप दो मिनट लाइन पे बने रहे। ओके हेलो हेलो। हाँ सर, इसलिए आपको जो 12,60,000 रुपए ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसके लिए जो हमारी कंपनी से इसलिए कुछ प्रूफ मांग रही है। तो बिजनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सर, इसमें जो रजिस्ट्रेशन और बिजनेस सर्टिफिकेट के जो यहाँ पे चार्जेस है वो चार्जेस आप जमा कर सकते हैं सर। दूसरी मेरी कंपनी की जो आपको जो बिनर जो हमारे कंपनी के बिनर बने हैं कि जो हमारे कंपनी ने फिर टीवी पे आपकी नाम आपको डे से आपको प्रचार किया जाएगा, आपकी प्राइस पेपर में आउट किया जाएगा, मोबाइल पे और व्हाट्सएप किया जाएगा, तो इसमें मात्र हम आपकी 6,500 रुपए आपकी खर्च किया रहे हैं सर। कहाँ से काटेंगे? ये तो कटित नहीं होगा, ये तो आपको बैंक से बैंक आपकी ट्रांसफर होगा सर। SBI बैंक में आपको जो है इसमें पैसे आपको ट्रांसफर किया जाएगा, उससे आपको कटित नहीं होगा, ये आपको साइड से आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा सर। जी मैं कर दूंगा, लेकिन आप ये बताइए जो 12,00,000 आप ट्रांसफर कर रही है इसमें होने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या ब्रदर? जो आप ट्रांसफर कर रही है 12,00,000 वो क्यों नहीं हो रही, कारण क्या लिख के आ रहा है? कारण यही है सर कि जैसे कि आपके जो हमारे कंपनी के डिनर बने हैं तो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर आपके बैंक वाला पूछेंगे इतना बड़ा अमाउंट आप कहाँ से लाए हैं। तो इसके लिए जो हमारे कंपनी ने प्रूफ बनेगी, एक प्रूफ जब तक यहाँ पे कंपनी के यहाँ के आपको जमा नहीं मिलेगा तो आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। फिर आपके व्हाट्सएप नंबर बताने से सर मैं आपको जो मेरे पेपर बनेगा तो सर से मैं पेपर लेने के बाद मैं आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं उस पर व्हाट्सएप कर देंगे सर। मात्र इसमें 6,605 रुपए खर्च आते हैं सर। मैम ऐसा हो जाए कि 7,00,000 आप रख लो बाकी के हमें दे दो? ऐसा नहीं होता है सर, इसके लिए आप कुछ भी कर सर, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है सर, समझ गए ना? नहीं जो ये गाड़ी ऐसे मान लो तो क्या झारखंड में आने पड़ेगी या हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी? जी नहीं, गाड़ी के लिए भी आपके खर्च लगेंगे सर, उसमें आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी मात्र आपकी 6,600 रुपए पेपर की खर्च आपके लगेंगे सर। आप गाड़ी लीजिए या तो कैश लीजिए सर। अच्छा मैम, तो ये दोनों आते रख लो ठीक है? एक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अकाउंट नंबर दिए हैं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैम अकाउंट नंबर दिए तो हमारे अकाउंट पे कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं होती, मेरी कंपनी की बदनाम नहीं करूंगी। ऐसी कंपनी बदनाम ये बेवकूफ बनाना होगी। एक तो आपने पहले अकाउंट नंबर मांगा, उसके बाद मैंने आपसे पूछा था ना कि ओटीपी वगैरह और कुछ तो नहीं चाहिए होगा? बोला बिल्कुल नहीं लगेगा सर, ओटीपी ओटीपी मांगे थे आपने, आपने ये बोला कि अकाउंट नंबर दे, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जी नहीं, इसमें देखिए आपको ऐसा लग रहा है ब्रदर, इसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है मात्र एक पेपर की कीमत आप 2,500 रुपए का, जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दूंगा उसका क्या प्रूफ रहेगा हमारे पास कि ये आपको? आप देखिए ब्रदर, आप प्रूफ दिए हैं आपकी एक डिटेल से हम आपको अकाउंट से मैं पूरे डिटेल आपको निकाल सकते हैं।
समझ रहे ना, एक डिटेल से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बात यानी कहाँ जहाँ बैंक ने कौन खुलाया है, जिस स्टेट में जो आपको बैंक ने है, तो ये अकाउंट से हम पूरे आपको डिटेल निकाल सकते हैं। उसी माध्यम से आप बैंक में खाता खुलाने के होंगे तो उसमें कितने प्रूफ आप डाले हैं, आप इन मोबाइल के सिम कार्ड लिए हैं उसमें प्रूफ भी डाले होंगे, इसलिए जो हमारी बात हो रही है और आपकी अकाउंट नंबर देंगे उसमें प्रूफ डाला हुआ, तब आपकी जाके बैंक में अकाउंट खुला है और उस अकाउंट से मेरे डिटेल निकाल सकते हैं, तो मेरी कंपनी के छानबीन कर सकते हैं और एफआईआर कर सकते हैं। बिल्कुल आपके साथ मैं गलत नहीं करूंगी, तो हमारे साथ भी आप गलत नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन ये 300 रुपए की शॉपिंग करने पर कौन 12 लाख खर्च करेगा, ये ऑफर निकाला गया है सर, 1 रुपया की आपकी जो अगर तो आपकी देखिए आप न्यूज में देखे होंगे कि आपकी 6000 की मोबाइल निकालने से जिनका भी ये ऑफर निकल जाता है लौटिक लग जाता है उनकी 14000 की मोबाइल आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मैम 21 तारीख 14000 की मोबाइल आपकी मुफ्त में मिल रहा है। अच्छा 21 तारीख में और लोगों ने भी शॉपिंग की होगी, लेकिन ये 300 वाला ही क्यों चुना गया बिना जी। देखिए सर जी, ये जो आपको कोई जरूरत हमारे कंपनी में 1 रुपया भी शॉपिंग करते हैं वो मेरे लिए कस्टमर है, आपकी 5 लड़के भी शॉपिंग करते हैं वो लिए मेरे भी कस्टमर है, इसके लिए कोई दिक्कत है, सारे कस्टमर की नाम जो कंप्यूटर के माध्यम से दीपावली के शुभ अवसर में ये जो प्राइज निकाला गया है ये जो सभी को नहीं जिनका लगता उनको दिया जाता है। मैम जो आप डिनर के लिए इनवाइट कर रही है ना, डिनर बोल रही है, तो डिनर के लिए ऐसी कोई सूचना मेल के द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा? आपके मोबाइल में एक मैसेज मिला होगा, आपके मोबाइल में एक मैसेज मिला होगा, आप अच्छा किससे, व्हाट्सएप से जी? आप जो नंबर से मैं बात कर रहा है ये नंबर पर आप मैसेज देखिए, मैसेज तो देख लेंगे मैम, लेकिन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना उसमें अकाउंट है हमारे स्नैपडील पे, तो उससे कोई मतलब ऐसी सूचना मिलनी चाहिए ना कि आप बिलर हो गए आपको ये मिलेगा ऐसा मिलेगा। आप मैसेज देखिए, मैसेज देखिए, आप मैसेज देख नहीं मैसेज तो देखेंगे, मैसेज में तो आप भी मैसेज दे सकती है, लेकिन कंपनी की तरफ से तो कोई मैसेज देखिए सर, मैसेज आप देख लीजिए, मैसेज देखिए सर। नहीं मैम आप ये गलत कर रही है लग रहा है ऐसा कुछ कुछ। ठीक है ब्रदर, आपकी गलत लग रही है तो मैं आपको यही कहना चाहती है कि मात्र इसमें 2500 रजिस्ट्रेशन करवाइए। नहीं उसको बिलर बोल रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब है उसमें? तो हमारे कंपनी के से जो मेरे कंपनी के प्रूफ है हमारे बैंक में, आपके बैंक में पैसे जमा करेंगे ना सर, तो हमें पेपर आपको जमा करेंगे तो आपके खाते पे पैसे ट्रांसफर होंगे सर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ऐसा लग रही है कि हमारे साथ 9 करोड़ कर रहे हैं कि आपकी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं सर, तो आपकी मेरी कंपनी की लाभ है। स्नैपडील को आप नाम खराब कर रहे हैं बिल्कुल जी। नहीं मैं खराब करती हूँ सर, ऑडियो है ना, 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाइए उसके बाद आपके खाते पे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी आपने 6000 2500 रुपए आपको ट्रांसफर करने के बाद आपके बैंक नहीं जाएंगे तो मैं वादा करती हूँ कि आपको मैं इसे 10000 रुपए मैं भर के दूंगी। नहीं आप कैसे देंगे, आपका एक ही नंबर है हमारे पास, मान लो नंबर फर्जी हुआ बंद हो गया कल तो जी। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं सर, कि आप ऐसे जो आपको नाइट की आपको आपको 8 बजे नाइट तक के नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जब भी कॉल कर सकते हैं सर, जब भी मैं अपना सभी को बर्बाद नहीं करूंगी और मैं अपना नाम नहीं बुलाऊंगी। काफी मात्र 2500 रुपए करवाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी कंपनी की डिटेल और अपना आईडी फोटो भेजिए, उसके बाद में हम ट्रांसफर करवाते हैं आपको। हमारे कंपनी की तो आपके पास मैसेज मिला हुआ सर, आप मैसेज देंगे? मैसेज मिला है, मैसेज में मिला है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आना चाहिए, स्नैपडील से मेल पे मेल आनी चाहिए जी जी। यही आपको आप यही नंबर पर आपको गिरा होगा सर, जिस नंबर पर मैं बात करती हूँ नंबर पर देख लीजिए व्हाट्सएप आपको मैसेज दिया है, आखिर आपको व्हाट्सएप दिया आप देख लीजिए। ठीक है मैम, व्हाट्सएप पे तो आया नहीं है लेकिन मैसेज का मैं मान्य नहीं करता हूँ, क्योंकि मैसेज तो कोई भी भेज सकता जी। मैसेज चेक लीजिए, मैसेज भी चेक कर लीजिए सर, आप मैसेज भी चेक कर लीजिए। वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन मैम ये आप स्नैपडील का जो नाम खराब कर रही है ये गलत है।
बिल्कुल मैम सोचना गलत है, लेकिन जो इससे गुजर जाएगा वो यही सोचेगा ना। कई सारे अगर तो आपकी खराब लग रही है तो आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, आप छोड़ दीजिए। नहीं मैं तो छोड़ दूंगा, आप पता नहीं कितने और को बताएगी। नहीं हम किसी को क्या पता है, जब जिनके मैम अभी आपने कुछ समय पहले बोला था 6,000 के लिए, उसके बाद में आप बोले 2,000 के लिए। जी जिस बात से बात करने के लिए मैं बताएं सर कि जब ऐसा आपको लग रहा हो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन है आप 2,500 रुपए करवाइए, उसके बाद आपकी खाते पे मैं ट्रांसफर कर देंगे, तो जो बाकी की रकम रहेगी तो बैलेंस उससे निकाल के ट्रांसफर कर सकते हैं। मैम आप बोल रहे 12,00,000 के लिए, ठीक है 12,00,000 ट्रांसफर नहीं हो रहे, आप 1,00,000 ट्रांसफर कर सकती है। जी आप इसलिए तो बताएं सर कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले आपकी। सुनिए अभी आपने जो अकाउंट नंबर लिया था उससे पहले तो नहीं बोला था कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जी तो मैं आपको तो बताया गया था ना सर, आपको मैं बताते ना। नहीं आपने पहले तो नहीं बोला, पहले आपने ये बोला सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए, अभी ट्रांसफर होगा अभी आपके नंबर पे मैसेज आएगा। जी तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग खोज रहा है वो तो देना पड़ेगा ना सर। नहीं ये तो आपको पहले सोचना चाहिए ना, अकाउंट नंबर लेने से पहले बताना चाहिए था आपको। आपके पास नहीं कर, मैं दर्द नहीं करूंगी सर। हाँ तो लेने रहेगा तो कॉल कीजिएगा। नहीं 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 मैम लेकिन